इंडियंस जो है उनके भी हालात ऐसे, वो कहते हैं कि यहाँ पे सारे जो है ना अपनी तरक्कियों में लगे हुए हैं, और जो चैलेंज करना है वो तो काम ही खत्म हो गया है, अब हर कोई जो है ना उनका सेट पैटर्न है उसके ऊपर चल रहे हैं तो सारे। देखो फिर भी देखो आमिर रियाज उनके यहाँ अभी भी लोग मौजूद नहीं, हैं। मैं पंजाब की हिस्ट्री पे अच्छा ऐसी, पंजाब की हिस्ट्री मैं पे, इतने वो नाबल्द हैं, मैं हैरान रह गया। अच्छा नहीं पंजाब की हिस्ट्री पे मुझे हरबंस ने बताया, मैं नाम हाँ भूल गया, कि ये मशरकी बंगाल में कोई है, उसने मिडिवल पीरियड पे कहा था, बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैं अच्छा। नाम भूल गया। अच्छा अभी वैंकूवर में एक है, उसका भी नाम देखो याद नहीं आ रहा, हवा में भेजूंगा। अच्छा वो वहाँ पर वैंकूवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और सिख चेयर भी उसके पास थी। ठीक है। अच्छा उसने अभी किताब लिखी, सिख इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसको चेयर से निकाल दिया, लेकिन उसकी वो किताब छप गई है। वो अच्छा। हमारे खटाऊ में है ना, वो हाँ बड़ा रिसोर्सफुल है, उसने जी हैदर निजामानी है वहीं पर जी वैंकूवर जी में, जी जी उससे कह के वो किताब मंगवाई है उसने, अच्छा। पता नहीं नहीं मुझे मैं उससे वो मंगवा लूंगा, मेरे पास है हफ्ते में उसका है ओरिजिनल। उससे। पढ़नी चाहिए। हाँ उसकी वो किताब है। तो ऐसे हरबंस कह रहा था कि ये पंजाब के ऊपर वहां पर दो तीन बहुत अच्छी किताबें हैं, नहीं डॉक्टर, यानी ये जिस तरह अब ये मोदी फिनोमिना आया है वहां पे, हाँ ये असल में तो जैसा हमारे यहाँ पे जो हमने कोशिशें की 47 के बाद, उसके नतीजे में तालिबान तो आखिरी आखिरी है ना वो, तो जो कुछ उन्होंने जो गुंजाइशें अपनी सोसाइटी में छोड़ी हुई, आया तो वहीं से है कहीं, मतलब कि सिर्फ अमेरिका के ऊपर तो नहीं डाल सकते आप। नहीं। तो अब वो जो अंदर गुंजाइशें थी उसके अंदर, अगर वो पाकिस्तान को एक गाली निकालते हैं तो बीजेपी चार गालियां निकाल सकती हाँ अच्छा लेकिन उसका एक असर भी देखो है। हुआ है, असर ये हुआ है कि बीजेपी की एंटी मुगल जैसे एक पूरी कंपेन है ना, तो वहां पर यंग हिस्टोरियन जो है उन्होंने मुगल और इंग्लैंड में राजभवन गांधी की जो बेटी है सुपेरिया गांधी या सुरैया गांधी, अजी ऐसे नाम है उसका, ठीक है उसने दारा शिकोह पर बड़ी अच्छी किताब लिखी, अच्छा, ठीक बहुत है। वो छपी भी वहीं से है, मुझे उसकी ऑडियो बुक्स मिल गई थी, अच्छा, तो ठीक है। बहुत अच्छी किताब है। तो हरमन कह रहा था कि उसका रिएक्शन जो है, एक साहब ने लिखी है किताब अल्लाह अकबर, हाँ अच्छा। ये रिएक्शन ये है कि लोग यंग हिस्टोरियंस जो हैं वो मुगल पीरियड को दोबारा से वो जिंदा कर रहे हैं। ये मुझे लगता था कि जिस तरह हम एक बना देते ना, किसी एक को सेकुलर बना दिया, किसी बादशाह को है जी, किसी को मजहबी बना दिया, और फिर उसके अंदर रख के चीजों को आगे अपनी मर्जी से अच्छा ये चलाया। तो ये देखो हाँ ना हिस्ट्री में ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं है। नहीं होता अच्छा बिल्कुल। ये जो हमने किया ना कि हाँ अकबर जी को सेकुलर बना के उनको ऐड कर दिया हाँ और औरंगजेब को मुसलमान बना के हमने ले लिया, जी, एक को लेकिन जमात इस्लामी का बना दिया, एक को कम्युनिस्ट बना दिया। अच्छा लेकिन अच्छा और औरंगजेब जो है ना मुश्किल है, लेकिन औरंगजेब को जरा पढ़ो मसलन, एक वो है कि उसे एतराज किया एक सुन्नी अमीर ने कि आपने बहुत शियाओं को मुलाजिम बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं, तो उसने कहा देखो मजहब और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, इनको आपस में मत मिला, बादशाह लेकिन थे। हाँ लेकिन ना पॉलिटिशियन था वो, उसको हुकूमत करना थी, उसे पता था कहाँ मजहब को यूज करना चाहिए बिल्कुल और कहाँ नहीं करना चाहिए, दोनों काम उसने किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट में हिस्ट्री कभी नहीं होती है कि एक आदमी हम कहें कि जी बिल्कुल वो पक्का मुसलमान था या हाँ पक्का जी सेकुलर, नहीं ऐसा नहीं होता। अब यानी अकबर भी एक साहब जो थे लेके आ गए कदम रसूल। हाँ अच्छा अबुल फजल ने लिखा है कि आला हजरत को पता था कि ये फ्रॉड है, लेकिन फिर भी आला हजरत उसके इस्तकबाल को गए। भाई मुसलमानों में थोड़ा वो था ना उनके जज्बात को, तो आला हजरत ने जाके इस्तकबाल किया, उनका पता था कि ये सब चक्कर आ गए। तो सियासत में ये चीजें चलती हैं, तो सियासत को देखना चाहिए प्रैग्मेटिक सियासत की जो बैठा हुआ है वो किस नुक्ते नजर से ये बात कर रहा है। और फिर ये मैं कह रहा था, जो आप बीज बो रहे होते हैं उन्होंने बड़ा होना ही होता है, मतलब ये मोदी का जो आना है उसको महज जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो अच्छा किसी बाहर की ताकत ने ही नहीं बना दिया। अच्छा देखो मैंने अभी लिखा है हाँ जी ठीक मजमून, अच्छा जाए
मोदी का आना जो है ना, इसका कसूर मैंने गांधी जी को दिया कि गांधी जी जब फसल को सियासत में लेकर आए जी तो उस वक्त तो ठीक है साहब, सियासत में ले आए हाँ जी कोई नहीं, लेकिन देखो वही चीज जो है हाँ जड़ पकड़ के हुआ ये हुआ और फिर यहाँ तक नौकर। एक मतलब आप जब ले आएंगे ना, दरवाजा एक बार खोल देंगे तो बंद नहीं होगा। इंडियन समर जिसने किताब लिखी, खातून जो है एलेक्जॉन तुंजरेवान, अच्छा उसने ना बहुत अच्छी किताब इंडियन समर लिखी है। उसमें उसने वाकया लिखा है उस रात का कि जब वो पावर देनी थी ना, और नेहरू साहब ने जाके उस पर बैठना था माउंटबेटन की चेयर पे, तो एक आइन टालबूट था जो वहां पे एक्चुअली वो था रिपोर्टर। ये टालबूट नहीं, ये आइन टालबूट है, एक और है। अच्छा, वो टालबूट साहब जो है उनकी रेफरेंस है उसके अंदर। और उसने बताया कि किस तरह वो जोगी आया और उसने वो कुज्जा तोड़ा, और उससे पहले उसने बताया कि 12 बजे हमने तकरीब करनी थी पहले सुबह 2 बजे, तो वो हमने मुलतवी की क्योंकि वो शुभ घड़ी नहीं थी। अब दुनिया की सेकुलर तरीन रियासत बन रही हाँ है जी, और शुभ घड़ी के चक्कर में आपने दोपहर 12 बजे जब माउंटबेटन कराची से होके वापस भी चला गया जल्दी जल्दी में। अगर वो आप एलन जॉन कमिल्सन की किताब पढ़े तो उसने कहा कि 11 बजे उसने कहा कि हर सूरत में निकलना है क्योंकि दिल्ली में 2 बजे तकरीब है। तो वो यहाँ पे आया तो पता चला कि वो शुभ घड़ी की वजह से कैंसिल हो गई तकरीब। आपको 12 बजे और आपको अब वो उसका टाइटल भी यही है कि वो कुज्जा तोड़ रहा है, तो नेहरू और ये दूसरे लोग मुंह पे हाथ रख के हंस रहे हैं, लेकिन वो जो कुज्जा तोड़ रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होके, उसकी को पावर है तो वहां पर पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल तो जब बिल्कुल ये आप खुद करेंगे तो फिर उसमें से उसी कुज्जे में से मोदी निकला हाँ हाँ नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। है। वो बकौल किसी के लोग जो हैं नेहरू के झुक के कदम चूमते थे, कहने के वो उनको डांटते थे लेकिन जब कदम चूम चुकते थे उसके बाद डांटते थे। अच्छा वैसे ये मैंने लेकिन पुलिसियो साहब का भी देखा है, जिस तरह उनकी जूतियां उठाते थे ना लोग, फिर वहां से शर्म आती थी हमें कि ये इजाजत ही क्यों दे रहे हैं। मतलब देखे ना, मतलब आपके साथ जो करेंगे आप उसको फौरन डांटेंगे यार, ये ना करो कभी तो। अच्छा और नेहरू के मरने के बाद इंदिरा गांधी ने सारी मंत्र और ये सब हिंदुआना रसूमात उसकी मौत के पे कराई थी, हाँ जी सब कराई थी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ नेहरू के मरने पर हाँ जी तीन मूर्ति में उसके विचार उसके रेजिडेंस थी तो वहां पर ये सारी और फिर रसूमात थी। करवाते हैं और फिर आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं, हाँ तो फिर जाहिर है उससे क्या बनेगा, जो बनेगा वो यही है। हाँ तो फिर तो वो हिंदू साधु जी जोगी ये वो सब उनका तो जोर होगा ना फिर। और है तुम्हें पता है कि आखिर तक यानी वहां भी जो हिंदू जोगी साधु साधु हैं ये पॉलिटिशियंस जाते हैं उनके पास रूहानी मदद के लिए, हाँ जी हाँ जी और बहुत से लोग डंडे भी मारते हैं जैसे हमारा वाला मारता हाँ था जी ये। बिल्कुल बिल्कुल बेनजीर ने भी खाए, नवाज हाँ शरीफ ने जी भी खाए। नहीं आप देखे ना, वो जो जैसा जियाबाजी ने बयान दिया वो मराठी के हक में, तो माफी मांगनी पड़ी उसको, है जी। ये अडवाणी या ये करेक्टर किस तरह मजबूत हो जाते हैं। हम तो खादम ने जी की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो वो उनके वहां पे जो ये करेक्टर मजबूत हुए उसके पीछे भी तो कोई है ना। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखो ना कि ये रथ यात्रा और ये सब जो कुछ हुआ है तो उसने क्या किया है भाई, मजहबी जज्बात को मुस्तैद किया और बाबरी मस्जिद बनी है तो ये सारे खड़े होके अप्रिशिएट हाँ जी कर रहे ऐसे थे। ही नरसिम्हा राव वजीर आजम थे वो भी उसमें शरीक थे, यानी वो भी नहीं बोले कोई भी। बस जाहिर है कोई ओपनली साथ देता है था और कोई खामोश रह के साथ हाँ देता। यानी हिंदू सोसाइटी में यह है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो उनका सेकुलर है लेकिन सोसाइटी है उनकी मजहबी। अच्छा वो मजहबी सोसाइटी फिर ये होती है कि सियासतदान जो है वो तो अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए नीचे से नीचे गिरते चले जाते हैं, उनको यानी तासुबात को दूर करना मकसद नहीं होता है बल्कि तासुबात को बढ़ाना होता है। हाँ जाहिर है। देखे ना, मैं अगर हिंदुइज्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो बीच में कोई उसका फिरका ले लेंगे, उसको हाँ उसको चुन कर देंगे। अच्छा आपने देखा कि मेरे मुखालिफ ने इस्तेमाल किया, आप यार मैं इससे बढ़ के करूँ हाँ जी, और एक से फिर एक ऊपर बढ़। से ये जो कॉम्प्रेसी, ये छोटी छोटी कॉम्प्रेसियां पैदा हुई, ये भी इसी तरह है, हाँ ये एक नए खुदा बन गए। हाँ
इसकी आड़ के अंदर सारे बदमाश जो है माफिया के लोग पनाह हाँ ले जी, रहे हैं। मायावती निकल आई। आप देख रहे हैं अब आपको भूत बादल क्या मिल रहे हाँ हैं। अच्छा, और ये जो नया मायावती हुई है, इनका इतना करप्शन है, इतना इन्होंने करोड़ों कमाए हैं, लेकिन है ये निचले तबके से। हाँ जी, नहीं इनसे पूछो तो वो कहते हैं जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बहुत कमाया है, सरमायादार ने इतना कमाया है। वो ये नहीं नहीं कहते कि हमने नहीं कमाया। मतलब इंडिया का भी जो एक उम्मीद थी ना, हाँ जी, उसमें भी बहुत ना उम्मीद किया है। वो मुझे लगता है उम्मीद भी हमारी अपनी हाँ अब ये अब कहीं ना कहीं, इनके गुस्से में जो है हाँ ना। देखो यार, सबसे ज्यादा जो है अगर थोड़ा हिंदू मतलब को देखो यार, जो औरतों को जलाता रहा है बिल्कुल बिल्कुल, सदियों से, हाँ और जी, भी जो दलित कौम का हशर कर रहा है और आज तक कर रहा है, ये क्या मजहब है? यानी उस मजहब को हम ये तो नहीं कह सकते कि आधा अरफा है। क्या दलितों का हशर पहले भी था और आज भी है वो। आज भी है शूद्रों के खिलाफ पूरी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारी गुफ्तगू जो है ये फेसबुक के जरिए बहुत से दोस्तों तक पहुंच रही चलिए है। ठीक है, सही है, चंगी गल है, चंगी गल है। एक वो दलित ने झूठा किताब लिखी है, उसका यह है झूठा फन पता नहीं क्या है, तो रूप वो जो है जी, बिल्कुल हाँ, तो उसने दिखा के पढ़ लिख दिया था, तो कहीं उसको गवर्नमेंट के कोटा जो है सिस्टम है ना, जॉब मिल गया, तो वो जो बैठा हुआ था कोई आधा रात का, जब उसका वो रिपोर्ट पहुंची ना, डायरी रिपोर्ट, उसका जुमला था, अच्छा ये ससुरा यहाँ तक पहुंच गया है। हाँ जी। यार जो नफरत और ये है ना, नदीम के जो मतलब मजहब नफरत फैलाए और इंसान को इंसान नहीं ना समझे, समझे। यार ऐसे मजहब की तो कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं लिखा ना मजमून 72 में मैंने अब पढ़ा था, तो उसमें वो शुरू ही यहाँ से किया कि हम मुसलमान तो हो गए हैं लेकिन हम हैं आज तक ब्राह्मण सोसाइटी में रहते हैं, ब्राह्मण है और लोगों को शूद्र समझते हैं। तो है तो यही कि पंडित जो है ना वो अपने आप को समझते हैं और बाकी सबको जो है ना डिस्कार्ड, वो हमारे आलम हो, हमारे सिविल मिलिट्री लीट हो, शराफिया हो, वो पूरा रवैया वही है। हाँ अच्छा, ये तरीका था तो खैर है, बहुत ही जी। अच्छी बात हुई, लेकिन कभी कभी बात मजेदार भी था। ये बात है, मैं भी हैदराबाद से आया हुआ था, अच्छा इसलिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बयान दिया था ना, प्यारा भाई आतंकवादी हमारी औरतों को उठा के ले गए और उनकी बेइज्जती की, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए। नहीं, मैं जब उनसे सवाल किया इंटरव्यू में ना, मैं कहा आपने 4 शादियां की हुई है, तो कहते हैं कोई ना कोई मुसलमान वाला काम तो करना। मजेदार जुमले जो है ना वो, तो अच्छा मुझसे भी यहाँ इंटरव्यू लिया जंग वालों ने, तो मैंने कहा भाई सही बात ही है, तो भाई वो फॉरन वाइस चांसलर को और उनको खतूत लिखे गए कि इसको यूनिवर्सिटी से निकालो, और ये है इतना है, इनका माहौल जरा मुख्तलिफ था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, ये हाँ जो उसमें भी हमने राजा दाहिर को कोई कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बना दिया, नहीं वो भी फरमा गलत मैं है, वो भी गलत था ना। नहीं वो भी गलत है, ये नहीं है कि एक को आप हीरो बना के जी, दूसरे को आप ये नहीं बिल्कुल गिरा रहे, वो क्योंकि बिल्कुल। राजा दाहिर भी कोई हीरो तो नहीं था, नहीं था, जाहिर है वो भी राजा था, राजा ही था, राजे ऐसे ही होते हाँ, हैं। और अपनी राजधानी के लिए लड़ रहा था, वो एग्जैक्टली, कोई सिंह के आवाज के लिए तो नहीं लड़ वो रहा था, अवामी जद्दोजहद तो उसको डिक्लेयर नहीं किया जा नहीं नहीं सकता, की नहीं बात। किया जा सकता ये जो कौम परस्ती का एक मसला है ना, कौम जी, बहुत परस्ती में लोगों को यार हीरोज की जरूरत है, होती है, बिल्कुल तो वो फिर दुश्मन तलाश भी। करते हैं, जैसे जीन सैयद साहब की जी छोटी सी किताब है सिंध जो सूरमा, तो वो निकालते हैं फिर आप सूरमा बना के, अच्छा नाम तो आप बना देते बना हैं। अच्छा तारीख को देखो, मैं कदम तारीख को मस्त कई तरह से हैं। करते हाँ हैं, जी मौलिक भी करता है, मजहबी लोग भी करते ठीक, हैं, सियासी लोग भी करते हैं, नजरियाती तो लाजमी करते और हैं, आवाम भी करते हैं, आवाम भी करते हैं। आवाम भी करते हैं, आवाम भी अपनी कहानियां बना देते हैं, हाँ बना के जी वो भी तारीख, तो तारीख को तो सभी मस्त करते हैं। वो बनर शाह का एक ड्रामा है, उसके अंदर एक डायलॉग है कि ये
अमेरिकन सिविल वॉर के बैकग्राउंड में, तो वो जो जनरल है वो कहता है कि आई एम अफ्रेड व्हाट हिस्ट्री वुड टेल अबाउट इट. तो उसका जो असिस्टेंट है वो कहता है हिस्ट्री सर विल टेल लाइज एज यूजुअल. इसीलिए तो पीपल्स हिस्ट्री की तरफ और ओरल हिस्ट्री की तरफ बात गई है, क्योंकि लोगों को समझ ये बात आ गई कि ये जो पखंड बनाया हुए हमने और फिर यूनिवर्सिटियों की बोरे लगा देते हैं उसमें, है नहीं? और फिर वो बोर अगर इंग्लैंड से और बरतानिया से लगी हो, है नहीं, और अमरीका से लगी हो, फिर तो सारे जो है ना उसको तो मान भी देते हैं. अच्छा यार, कमाल की हिस्ट्री देखो जो उसकी एपी जॉनसन की है ना, कमाल की उसने हिस्ट्री लिखी है, क्या मेहनत से उससे. अच्छा देखो एक वाकया वो लिखता है कि ट्रेड यूनियन बनी है इंग्लैंड में. अच्छा बाजार में गंदम जो है जखीरा अंदोजों ने अपने गोदामों में भर दी है और बिल दे रही है, तो ट्रेड यूनियन और जाके गंदम से वो गोदाम से गंदम निकाल के लाते हैं बाजार में, उसको सस्ते दामों फरोख करते हैं और जो रकम मिली है वो जाके उसके मालिक को देते हैं कि भाई असल ये कीमत है ये ले लो, ये तुमने मुनाफे के लिए रख के वो नहीं मिलेगा. तो यार ये जो अब इस तरह की उसने और लिखी उसने, यानी ओरल हिस्ट्री भी है डॉक्यूमेंट्स भी है उसमें करके, यार एक्सीलेंट हिस्ट्रीज की है. और उस आदमी को किसी पब्लिक मशहूर यूनिवर्सिटी में कहीं उसको पढ़ाने का मौका नहीं मिला. उसकी बेगम पढ़ाती थी, बहुत किताबें लिखता. ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है. ऐसा मॉडल तो दो बैग में भी रखी जा सकती है.